महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे के बीच टूटेगा गठबंधन। सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच, सीटों को लेकर समझौते को तैयार नहीं शिंदे गुट। बीजेपी भी एकनाथ शिंदे के दबाव में झुकने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच गठबंधन टूटता दिख रहा है। गठबंधन निकाय चुनाव तक चलेगा या उसके बाद टूटेगा, इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह तय दिख रहा है कि यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। शिंदे गुट ने बीजेपी को अभी भी लोकसभा सीटों को लेकर स्थिति साफ करने को कहा है। दरअसल बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मराठवाड़ा की सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 2019 से बीजेपी ने यहां पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें अपने सहयोगी शिवसेना के लिए छोड़ दी थी। शिवसेना का शिंदे गुट 2019 के समझौते की याद बीजेपी को दिला रहा है। दरअसल 8 महीने पहले शिवसेना में फूट पड़ गई थी। शिवसेना गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बना है, जिसे बाला साहेब की शिवसेना का नाम दिया गया है। शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। बीजेपी ने भी शिवसेना तोड़ने का इनाम शिंदे को दिया और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक और 12 से 13 सांसद हैं, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना, जिसे चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम दिया है, उसके पास 15 से 16 विधायकों के साथ 6 से 7 सांसद ही रह गए हैं। उद्धव ठाकरे का गुट अभी भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बना हुआ है, लेकिन फिलहाल पेंच एनडीए गठबंधन में फंसा हुआ है। बीजेपी लोकसभा के अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो शिंदे गुट ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी दावेदारी को कम नहीं करने देगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भागवत कराड ने मराठवाड़ा की सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, तो शिंदे गुट के नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन खोटकर ने कहा कि हम इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मानते हैं, हम इसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि मराठवाड़ा की 4 सीटों पर शिवसेना का दावा बनता है। खोटकर ने कहा कि बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि इस समय जो सरकार चल रही है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही है और बीजेपी सत्ता में है तो शिंदे के चलते ही है। दरअसल विवाद औरंगाबाद सीट को लेकर फंसा हुआ है। 2019 में यह सीट शिवसेना के कोटे में गई थी और हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी औरंगाबाद सीट कम से कम 2 लाख वोटों के अंतर से जीतेगी। इसके बाद से ही गठबंधन को लेकर खटपट शुरू हो गई है। बावनकुले के बयान को लेकर शिवसेना नेता खोटकर ने कहा कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है तो हम इस पर कुछ भी बयान नहीं देंगे, क्योंकि फिर हम भी अलग चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, लेकिन बीजेपी हमारे साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे मराठवाड़ा की सीटों को लेकर अपना रुख साफ करना होगा। उसे पहले यह साफ करना होगा कि जो सीट उसने 2019 में शिवसेना के लिए छोड़ी थी वो इस बार भी शिवसेना के पास रहेगी। शिवसेना में टूट भले ही हुई हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने असली शिवसेना के रूप में शिंदे गुट को स्वीकार कर लिया है। हमारे पास शिवसेना के अधिकांश सांसद भी हैं, इसलिए हमारा दावा कमजोर नहीं है। वैसे लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दबाव का यह खेल निकाय चुनाव को लेकर खेला जा रहा है। शिंदे गुट इस बार मुंबई में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी से हासिल करना चाहता है। बीएमसी की 227 सीटों पर चुनाव होगा और बीजेपी ने 130 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट रखा है। साफ है बीजेपी बीएमसी की अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अब तक मुंबई में शिवसेना बीजेपी पर भारी पड़ती रही है। इसलिए शिंदे गुट बीएमसी में आधी सीटों पर दावेदारी कर रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि वो शिंदे गुट को 50 से ज्यादा सीट देने को तैयार।